मॉर्निंग में बहुत बहुत खुशामदीद। आज सुन रहे होंगे गाना आए मौसम रंगीले सुहाने, होंगे छुट्टी लेके तो नहीं पर प्लीज कोई स्वेटर लेके, कोई शॉल लेके, कोई कोट लेके आ जा बालमा, कि इतनी शदीद ठंड है आज और इतनी ज़्यादा फॉग है, जीरो विजिबिलिटी अगर मैं आपको बताऊं। और आप मुझे देख रहे होंगे आज ज़रा मैं होबो हालत में आ गई हूँ, इतनी ज़्यादा ठंड थी, इतनी ज़्यादा कि जब मुझे पता चला कि ओपनिंग हम बाहर से कर रहे हैं और इतना खूबसूरत मौसम है, मैंने कहा तो ठीक है फिर इस खूबसूरती में थोड़ा सा मेरी खूबसूरती पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि मैं स्वेटर के बगैर तो बाहर नहीं जा रही। तो मेरी बात मानो सारे जितने भी लोग मुझे इस वक्त देख रहे हो कि बाहर जितनी भी तस्वीरें खींचनी हैं, जितने फ़ोटो सेशन करने हैं, जितना भी हसीन दिखना है, स्वेटर नहीं उतारनी, शॉल नहीं उतारनी, क्योंकि इतनी शदीद ठंड है कि एक दफ़ा अगर हड्डियों में घुस गई तो फिर आपको पता चल जाएगा। दूसरा, मेरा ज़ुकाम अभी तक ठीक नहीं, ठीक है तो पूछूंगी मैं आप लोगों को जो ये इतने खूबसूरत खूबसूरत शॉट्स के लिए हम अपनी ब्यूटी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। आज मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि प्लीज़ 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 स्पेशली जो इस्लामाबाद में रहने वाले लोग हैं, क्योंकि मेरे साथ आज ये हुआ कि मैंने बाहर देखा नहीं, कोई खिड़की खोली नहीं, सुबह उठे, नाश्ता बनाया, जल्दी में तैयार हुए और उसके बाद निकल पड़े, और जब मैं बाहर गई तो मैंने देखा मुझे तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है, बेसमेंट से गाड़ी निकाली है और बाहर बिल्कुल ज़ीरो विजिबिलिटी, और जहाँ मैंने सोचा था कि मैं 10 मिनट में पहुँच जाऊँगी, 5 मिनट में पहुँच जाऊँगी, इतना दूर नहीं है ऑफिस, वहाँ पर मुझे अच्छी खासी देर लग गई, क्योंकि एहतियात से गाड़ी चलाना इस मौसम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप तेज़ गाड़ी चलाएंगे, आप जितना मर्ज़ी एहतियात कर लें, मैं हमेशा कहती हूँ कि एक्सीडेंट सिर्फ आपकी गलती से नहीं होते, एक्सीडेंट्स कभी कभी दूसरों की गलती की वजह से भी हो जाते हैं, दूसरों की जल्दी की वजह से भी हो जाते हैं। ये जो 7 से लेके 9 साढ़े 9 तक का टाइम होता है, इस वक्त सारे स्कूल्स ऑफिसेज बहुत ज़्यादा रश होता है और इसमें अगर आप जल्दी करेंगे, तेज़ गाड़ी वैसे भी नहीं चलानी चाहिए, लेकिन जब फॉग हो, जब कुछ नज़र ना आ रहा हो तो तब तो बिल्कुल भी, और सिर्फ गाड़ियां ही नहीं, कोई बंदा सड़क क्रॉस करता हुआ बाहर से निकल जाए, कोई और चीज़ जो है सामने आ जाए, एकदम से आप ब्रेक लगाएं तो जान से ज़्यादा कीमती और कुछ भी नहीं है, तो आपने बहुत ज़्यादा ध्यान से गाड़ी चलानी है। दूसरा, ज़्यादातर लोग मैं भी देख रही थी रास्ते में, किसी को आई थिंक सो फॉग लाइट्स का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, प्लीज़ अपने जो डबल इंडिकेटर्स हैं वो ऑन रखें, अपनी फॉग लाइट्स ऑन रखें, बिल्कुल आगे वाला बंदा आपको नज़र नहीं आ रहा होता जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं और अचानक से गाड़ी निकल आती है आउट ऑफ नोवे, तो ये आपने नहीं करना। और मेरे मुंह से भी इतना धुआं निकल रहा है कि मुझे खुद सामने कैमरा जो है वो नज़र नहीं आ रहा, इतनी ज़्यादा ठंड है यहाँ पर। कराची वालों, मैंने बड़ा सुना था कराची में ठंड होगी है, कराची में बारिश होगी है, मेरे कुछ दोस्त कल कराची लैंड किए, उन्होंने मुझे कॉल करके स्पेशली कहा सुंदर कोई ठंड नहीं है यहाँ पे, ये कराची वालों को बड़ी जल्दी ठंड लग जाती है, तो यहाँ पे हल्का सा मौसम अच्छा हुआ है तो ये लोग कह रहे हैं कि ठंड होगी, लेकिन मुझे कॉल करें जरा, मुझे बताएं कराची में ठंड है कि नहीं है। बाकी मैंने सुना है पेशावर में बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, लाहौर में फॉग पड़ना शुरू हो गई है बहुत ज़्यादा, बाकी जो हमारे पंजाब के इलाके हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है, इस्लामाबाद में तो मैं आपको क्या ही दिखाऊं, ये देखें मेरे पीछे जहाँ पर मुझे अपने ही फील्स नज़र नहीं आ रहे और इतनी ज़्यादा ठंड है। आज ये ठंडा ठंडा मौसम जो है इसमें अच्छी अच्छी चाय बनाएं, अपने आप को प्लीज़ ज़रा वार्म रखें, रैप्ड रखें, बच्चों को रैप्ड रखें, अच्छा अच्छा फोटो सेशन भी कीजिएगा लेकिन ज़रा अच्छे से माहौल में, ज़रा थोड़े से वार्म से माहौल में चाय बनाएं, चाय की क्या ही बात है, कॉफ़ी बनाएं, साथ में पकोड़े बनाएं, मज़े मज़े के जो है सुबह अच्छी अच्छी खुशबुएं भी आ रही हो आपके किचन से और एक मज़े का माहौल भी। बॉन फायर करें, बॉन फायर का क्यों, ये जो एक होता था ना हमारी छत पे हमेशा होती थी और हमारे गार्डन होता था, तो जब भी इतनी ज़्यादा ठंड हो जाती थी, स्पेशली गाँव मुझे बड़ा याद आता है, वहाँ पर बॉन फायर तो नहीं होती, वहाँ पर तो खैर जरिया यही है गर्म रहने का, लेकिन वहाँ पर हम लोग सारी लकड़ियाँ रख के तो अच्छी सी आग लगाते थे, उसके इर्द गिर्द सारे बैठते हैं, कभी कोई अंताक्षरी खेलता है, कोई बातें शातें होती हैं, फ़ोन शोन साइड पे रख दें, घर के अंदर किसी ताले में रख दें और बैठ के अपने प्यारों से बातें करें, उनके साथ बैठें, इंजॉय करें, अच्छी अच्छी चाय पिए, अच्छे अच्छे पकौड़े खाएं, अच्छी अच्छी बातें करें, इस मौसम को इंजॉय करें, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, थोड़ी सी बुरी खबर भी दे देती हूँ आपको, इतना अच्छा मौसम है, थोड़ा सा ख़राब करती हूँ मैं, कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अगले कुछ सालों में, 10 से 20 सालों में सर्दियाँ बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी और बहुत कम इलाके रह जाएंगे दुनिया के जहाँ पर इस तरह के जो हम लोग 4 मौसम एक्सपीरियंस करते हैं, हमारे यहाँ ऑटम भी आता है, विंटर, स्प्रिंग, समर, ये डिक्रीज़ होकर सिर्फ एक्सट्रीम समर बहुत लंबा सा और एक्सट्रीम विंटर बहुत छोटा सा रह जाएगा। तो जब तक ग्लोबल वार्मिंग, जब तक हमने बिल्कुल पूरी तरह तबाह नहीं किया है अपनी मदर अर्थ को, तब तक थोड़े से जिम्मेदार हो जाएं, थोड़े से बचाने की कोशिश करें और साथ में थोड़ा सा जो है इसको एंजॉय भी करें अपने प्यारों के साथ, क्योंकि क्या पता हमारी अगली नस्लें ये सारे मौसम देख ही ना सकें, ये प्यारी प्यारी चीज़ एंजॉय ही ना कर सकें। आज मेरा आपसे सवाल ये है
कि जब भी, अल्लाह ना करे ऐसा हो या अक्सरियत में ऐसा होता हो, लेकिन जब भी आपका दिन बुरा गुजर रहा होता है, जब मूड अच्छा नहीं हो रहा होता, जब कोई भी चीज़ आपके मिजाज के मुताबिक नहीं जा रही होती है, तो अपना मूड ठीक करने के लिए आप क्या करते हैं, मुझे कॉल करें, मुझसे शेयर करें, और अपने अपने इलाकों से प्लीज़ आज मुझे पूरे पाकिस्तान से हर जगह से कॉल आनी चाहिए और मुझे प्लीज़ बताइएगा कि वहाँ पर मौसम कैसा है। अच्छा जी, आज के मैं गेस्ट अनाउंस करती चलूँ, आज क्योंकि इतना खूबसूरत मौसम है तो हमें म्यूज़िक के साथ इन्जॉय तो करना ही चाहिए और हम करेंगे, तो हमारे साथ होगा खुमारियाँ द बैंड, जो कि एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंटल बैंड है और मेरे इलाके से है, और बहुत अच्छे उन्होंने जो है कवर्स भी किए हैं, बहुत उनके ओरिजिनल्स भी हैं, बहुत अच्छा एक म्यूज़िकल सी मॉर्निंग खुमारियाँ के साथ होगी, और उनको आके भी थोड़ी सी मैं ठंड एक्सपीरियंस कराती हूँ, उनसे ज़रा मैं पूछती हूँ बाहर करना है आज शो के नहीं। हमारे साथ होंगे शेफ़ हसन, जो कि बनाएंगे स्टर फ्राइड चिकन विद शेज़वान सॉस, आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग दिस राइट, बट चाइनीज है सो यू कैन एक्सक्यूज मी। और हमारे साथ होंगे नसरुल्ला मिशेल अंसारी, जो कि हमारे ज़ुम्बा पायनियर है पाकिस्तान के, और उनसे भी मैं पूछती हूँ कि आज ज़ुम्बा बाहर ही ना हो जाए, ज़रा सा वार्म अप हो जाए बाहर, ज़रा मज़े का माहौल हो जाए, सिर्फ मैं ही ठंड क्यों खाऊँ। है जी, तो टाइम है छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आपसे मिलते हैं स्टूडियोज में। बिल्कुल बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक। आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, सांस ले लें, कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए। मैं स्ट्रॉन्ग बाय ज़ुम्बा, यू नो स्ट्रॉन्ग बाय ज़ुम्बा। मैंने आपसे सवाल भी पूछना है, व्हाट इज दिस ALS
thing that I have heard about. Yeah. And also, one second. Okay. I will tell you first that my very big wish was that I take Nasrullah outside and I do Zumba in the cold. लेकिन फिर मैंने देखा कि आप वार्म अप भी हो जाए, लेकिन फिर मैं नहीं चाहती थी कि आपको ठंड लग जाए। देखिए मुझे बड़ी कदर है अपने मेहमानों की, मैंने कहा बाद में मेरे अगले 2-3 शोज में अगर ये नहीं आएंगे तो मैं क्या करूंगी। तो इससे अच्छा है कि हम अंदर ही जो है वो ज़ुम्बा यहां पर कर लें। अच्छा जी, इसके बारे में ALS के बारे में बताइए। ALS असल में amyotrophic lateral sclerosis इसको बोलते हैं। अच्छा, ये आपको पता है आपका ब्रेन जो है आपकी बॉडी की मूव्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, और वो कैसे करता है, न्यूरॉन्स भेजता है तो वो कंट्रोल कर रही होती है आपकी बॉडी को। ठीक है, इस में तो ऐसे इजी। हाँ, ठीक। हाँ, जी, तो उन न्यूरॉन्स की बीमारी को जो है वो ALS कहा जाता है। अच्छा, और ये इस वक्त हॉट टॉपिक है पूरी दुनिया में। अच्छा, इस पे रिसर्च हो रही है, बहुत बड़ा टॉपिक है। खुशकिस्मती से हमारे पाकिस्तान में भी इस पे एक इंटरनेशनल एजुकेशन वर्कशॉप ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी कर रही है। अच्छा, जो कि इस वक्त मैंने आपको बताया ना हॉट टॉपिक है बिल्कुल, उसमें मैं भी गेस्ट इनवाइटेड हूँ। अच्छा, इसमें हर जो मेडिकल की फील्ड के लोग हैं, जैसे कि न्यूरोलॉजी के हैं, फिर ये न्यूरोलॉजी के हैं, बायोकेमिस्ट हैं, फिर थेरेपिस्ट हैं, सारे इसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। अच्छा, जबरदस्त। तो ये रिसर्च हो रही है अभी तक, अनफॉर्चुनेटली ये क्योरेबल नहीं है। अच्छा, लेकिन अवेयरनेस सही है। जैसे अभी देखें कि छोटा सा कदम इन्होंने लिया और ये लाहौर में एक इंटरनेशनल हो रही है, तो अब जैसे जैसे बढ़ेगी तो इसके अभी क्योर फाइंड आउट हो जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हाउ डज बॉडी वर्क। मुझे ये तो पता है कि आपके नर्वस सिस्टम से डायरेक्ट रिलेशन होता है, बिकॉज ऑब्वियसली जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, सो यू फील बेटर। आपकी जो है बॉडी के अंदर जो है जब भी मूवमेंट आएगी, मैं तो हमेशा कहती हूं जब आप बीमार भी होते हैं, और मैं बहुत ज्यादा बीमार होने वाली बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जब लेथार्जिक फील कर रहे होते हैं तो हल्का सा वर्कआउट या जो है स्टीम बात भी इवन आपको एकदम से आपको लगता है कि मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूं। आधे से ज्यादा आपने आंसर दे दिया मतलब कि ज़ुम्बा कैसे हेल्प करता है। हाँ, आपको पता है बॉडी में आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है फाइट के अगेंस्ट, फाइट करने के अगेंस्ट डिजीज को बढ़ाने के, और खास तौर पर इस तरह की रिक्रिएशनल एक्टिविटीज जो है। ये देखें, अगर इन्होंने ज़ुम्बा को इंटरनेशनल का पार्ट बनाया है एजुकेशन का वर्कशॉप का, तो उसकी मकसद ही ये है कि हमारे पास एक्टिविटीज बहुत कम है, मतलब फिजिकल एक्टिविटीज। तो डेफिनेटली जब आपके पास जो है वो पावर, विल पावर इतनी होगी कि आपको कोई बीमारी टच नहीं करेगी, तो फिर तो जाहिर है आप आगे फाइट कर ही रहे हैं ना। बिल्कुल, और नॉट जस्ट दैट, मतलब एक बोरिंग सा वर्कआउट भी नहीं है ना ज़ुम्बा, साथ में म्यूजिक है, आप उसको वो हैप्पी हार्मोन्स जो अभी आपने बताया वो उससे बढ़ जाती है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है आपके पास। अभी इवन जितने भी ट्रीट किए जा रहे हैं पेशेंट्स, उनमें सबसे ज्यादा मैंने बहुत सारों को देखा है कि वो मतलब उनको एक्टिविटीज ऐसी दी जाती हैं जिसमें खुश रहें, और अगर वो बेचारे एक्टिविटीज ऐसी नहीं कर पाते तो उनके जो इर्द गिर्द के लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, उनको खुश रखने की कोशिश करती है। तो ज़ुम्बा तो आपको पता है एक घंटा आपको स्माइल करना सिखाता है। यहाँ पे ये एक एक्टिविटी भी है, रिग्रेस किस्म की एक्टिविटी भी है, डांस भी है, फन भी है, तो ये हर तरह से आपकी सपोर्ट कर रहा होता है। इन्हीं चीजों की हमें जरूरत है, मतलब जिसको कि आप अवेयर करें लोगों को कि हाँ, आप फिट रहें अपने आप पे, तो बीमारियां आपको टच ही ना करें। और फिटनेस सिर्फ ये नहीं होती कि पतले हो जाए और वेट लूज कर दे, फिटनेस यही होती है कि आप मेंटली हेल्दी हैं, आप फिजिकली हेल्दी हैं, इमोशनली आप हेल्दी हैं। एक और आपने बड़ी जरूरी बात की, जल्दी से कर दी जी, लेकिन ये बहुत जरूरी है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि हम लोग कोसते भी हैं इसको, हम बड़े तंग भी होते हैं मेहमानों से, कहते हैं हर वक्त कोई ना कोई घर पहुंचा होता है, लेकिन एक ज्वाइंट फैमिली सिस्टम होना या एक फैमिली सिस्टम होना आपके पास जो अंग्रेजों के पास नहीं होता है। मैं उस दिन भी कही थी अल्जाइमर्स, जिसके अंदर आपकी मेमोरीज बिल्कुल खत्म हो जाती है, तो इस तरह की डिजीजे ज्यादातर उन लोगों के साथ होते हैं जिनके सोशल इंटरेक्शन बहुत कम हो, जिनके रोज रोज जो जिन लोगों से मिलते हैं ज्यादा ज्यादा, या उनके कॉलीग्स होंगे या उनका एक पार्टनर होगा, लेकिन जिनकी एक बड़ी फैमिली स्ट्रक्चर होता है वहां पर आपके पास ज्यादा सपोर्ट होती है। और हम सबके ऊपर जिम्मेदारी है कि अगर हमारी फैमिली में कोई एक इंसान भी जो है वो बीमार है या वो अच्छे तरीके से नहीं कोप कर सक रहे हैं अपनी किसी भी डिप्रेशन के साथ, तो पूरी फैमिली के ऊपर ये चीज आ जाती है कि आपने उनको मिलकर ठीक करना है। एग्जैक्टली, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान में आप देखें ना, पाकिस्तान हमारा मुल्क जो है, हमारे कल्चर के लिहाज से इतना ब्लेस्ड
ملک ہے بالکل مطلب اس میں جیسے کہ وہ دوستوں کی تو آپ کو ملتی ہے کمپنی لیکن ایک فیملی سسٹم ہے خاندانی سسٹم جس کو اللہ نہ کرے کبھی بھی ٹوٹے یہ ہمارا اور یہ خوبصورتی ہے ہمارے پاکستان کی اور اسی خوبصورتی کے تحت میں جیسے سمجھتا ہوں اگر کوئی ہمارے بڑے لوگ نہیں کر پاتے تو آپ جیسے میرے جیسے چھوٹے چھوٹے لوگ اٹھ کے بڑی بڑی چیزیں کر جاتے ہیں کنٹریبیوٹ کر جاتے ہیں جیسے ابھی یہ بھی ہو رہا ہے مطلب یہ جو اویئرنیس ہو رہی ہے اویئرنیس سے ہی لوگوں کو پتا چلے گا نا کس کو کیا سمپٹمز ہیں پھر ہی وہ اس کو ڈائگنوز کر کے پھر ہی اس کو جو ٹریٹ کریں گے اور میں یہ بتا دوں کہ یہاں پر آئی تھنک سو ہم لوگوں کو اتنی قدر نہیں ہوتی ہے فیملی کی جو لوگ باہر چلے جاتے ہیں بہت سارے ایسے ناظرین ہیں جو اس وقت باہر ہیں وہاں جا کے پھر وہ کمیونٹی ورک شاپ جوائن کرتے ہیں یا پھر ان کی زمبا کلاسز آپ دیکھیں ان کے پھر وہاں پر ریلیشن شپس بنتے ہیں کہ اچھا آپ بھی پاکستان سے آپ بھی پاکستان سے زمبا وہاں کمیونٹی کئی اسی لیے جاتی ہے وہاں پہ زمبا از ناٹ اونلی کلاس ایک ڈانس فٹنس کلاس وہاں کمیونٹی کئی اسی لیے جاتی ہے کیونکہ وہ لگتا ہے جیسے خاندان ایک پوری فیملی ملی ہوئی ہے اور وہ اسی خوبصورتی کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اور اللہ نے ہمیں نیچرلی دی ہوئی ہے پاکستان بالکل آئی نو اور ہم جو ہم کافی چیزیں فور گرانٹیڈ لیتے ہیں جو بھی چیز مفت میں مل جائے نا اس کی قدر نہیں تھوڑی سی ہم اپنے باہر والے سارے جو بہن بھائی ان سے پوچھیں نا پھر وہ بتاتے ہیں کہ کتنی زیادہ ویلیو ہے پاکستان کے اندر جتنے آپ بادشاہ ہیں نا اتنے کہیں بھی نہیں ہیں اور ماشاء اللہ ہمارے یہاں آپ یقین مانیں ہمارے یہاں ڈاکٹر بھی اتنے ماشاء اللہ لوئل ہیں بےچارے باہر چلے جائیں گھنٹوں آپ کو لائن میں لگ کے پھر کہیں جا کے وہ پریفرنس اس کو دیتے ہیں جو ایمرجنسی کا پیشنٹ ہو ورنہ آپ کو گھنٹوں لگ کے یہاں آپ اٹھ کے چلے جائیں اسی وقت جناب وہ چھوڑ کے کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں جی اس کو کرنے کی اللہ کا بڑا کرم ہے ہمارے اوپر دیکھیں یہ اسی کی بدولت ہے کہ ہمارا ویسے تو غریب ملک گنا جاتا ہے میں نہیں سمجھتا میں باہر رہا ہوں وہاں پہ جا کے آپ کو اپوائنٹمنٹ لے کے جتنے پیسے خرچ کر کے جتنا انتظار کرنا پڑتا ہے یہاں جناب پیچھے پیچھے سوشل سیکیورٹی نہ ہونا تو بھی پتہ چل جائے وہی کہہ رہا ہوں تو ہم اس لحاظ سے یہ ڈاکٹرز کے بھی میں بہت اپریشیٹ کروں گا جتنے بےچارے یہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں میرا خیال ہے کسی ملک میں بڑے ملک میں بھی اتنا جو ہے وہ ڈاکٹرز نہیں کرتے پیسہ کماتے ہیں صرف بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیر تھینک یو آج آپ کو میں نے پہلے بھیج دیا پہلے ایکسرسائز کریں وارم اپ کریں سب کو ہے نا ٹھیک ہے میں بھی بات بات پر یہی ہم لوگوں کی ٹیم ایفرٹ بھی ساتھ ساتھ بالکل ایگزیکٹلی تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیر تھینک یو سو مچ جی ایک چھوٹی سی بریک کا بریک کے بعد آپ ساتھ
السلام علیکم, ویلکم ٹو دا شو. ہمارے ساتھ ہے خماریہ, آدھا بینڈ, آدھا کہوں گی نا میں, پورا تو نہیں آیا ہمارے ساتھ. ہمارے ساتھ فرحان اور شراز اس وقت موجود ہیں, باقی سب کدھر ہیں مجھے تو بتائیے. باقی اپنے آج چونکہ ویک ڈے ہے تو وہ اپنی جابز میں بزی ہیں. اچھا جابز میں بزی ہیں, آل ٹھیک. ہم لوگ کیونکہ میں آپ کو بہت دفعہ جو ہے سن چکی ہوں. مجھے یاد ہے میوزک میلہ جب ہوا تھا, جی جی بالکل, آئی تھنک سو 2014 تو اس کے بعد میری ملاقات ہوئی آپ کی امی سے. اچھا تو وہ باہر آڈینس سے واک آؤٹ کر رہی تھی اور میں کچھ ایکسٹرا خوش تھی کیونکہ آبویسلی میں خود بھی پٹھان ہوں. تو جب اتنا امیزنگ میوزک سنا وہاں پر, اور آپ کے بارے میں پہلے سنا ہوا تھا لائیو, میں نے پہلی دفعہ وہاں پہ سنا, تو میں کچھ زیادہ ہی چیخیں مار رہی تھی اینڈ آئی واز جسٹ سو ایکسائٹیڈ, اور اپنے دوستوں میں بھی سب سے زیادہ میں وائبرنٹ تھی. سو یور موم واز سٹنگ آئی تھنک سو لٹل فردر اوے فرام می. تو بعد میں وہ میرے پاس آئیں تو مجھے کہتی ہیں آپ کو پرفارمنس اچھی لگی. میں نے کہا آنٹی آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کو میری اس وقت جو میری حالت تھی آپ کو کیا لگ رہا تھا؟ شی واز لائک وہ میرا بیٹا ہے, وہ والا جو وہ میرا بیٹا ہے وہ پلے کر رہا تھا. شی واز سو ہیپی, شی واز سو پراؤڈ آف یو. تو مطلب I think so, being a Pathan, music mein jana, it's not so easy. First of all, assalamu alaikum, good morning to everyone. Aur haan, initially jab humne music start kiya to thoda sa challenging tha ki ek aisi family pe ki jahan koi aur musician na ho, aur first time humne start kiya to resistance show hoti hai. For example, if agar aapke parents se na ho to koi aur relative se uncle se aa jata hai. لیکن فرام دا اسکریچ فرام دا اسٹارٹ ہمارے سب کے پیرنٹس دے ور بینگ ویری سپورٹیو, بیکاز میوزک ہمارا ایک پیشن تھا, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اسٹڈیز میں بھی اچھے تھے الحمدللہ. تو ہم نے اگر موسیقی کا اپنا شوق ہم نے اگر رکھا ہے تو دوسری طرف ہم نے اسٹڈیز بھی کی, تو الحمدللہ وہ کمپرومائز نہیں ہے. بیکاز اگر آپ کسی بھی ہابی کو پیشن کو اگر آپ مور ایجوکیٹڈ وے کرتے ہو نا تو اس کا جو انڈ ریزلٹ ہوتا ہے وہ بہتر ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں دس از اگر آپ پاکستان پورے پاکستان کے فوک میوزیشین کو دیکھیں وہ پیچھے اسی وجہ سے ہیں, اور مین اسٹریم پہ بہت سارے بہت کم آرٹسٹ لوگ جانتے ہیں لیکن وہ پیچھے اس وجہ سے ایجوکیشن کی کمی ہے. اور یہ بھی اکثر میں جب گورنمنٹ کے پلیٹفارم پہ بولتا ہوں, میڈیا کے پلیٹفارم سے بات کرتا ہوں, تو کچھ ہمیں انیشیٹو لینی چاہیے کہ جو ہمارے گھرانہ ہیں, جو موسیقی کے گھرانہ جو پہلے سے اس میں ہو, اگر ہم اس کے نیو جنریشن کو ایجوکیٹ کریں تو بلیو می ونڈرز ہو سکتی ہے. مطلب وی کین پروڈیوس سچ اے گریٹ آرٹسٹ, اور اکانومی پہ آبویسلی یو نو باہر دنیا میں آج کل بہت فیسٹیولز ہوتی رہتی ہیں, ہزاروں کی فیسٹیولز ہوتی ہیں, تو اگر ہم یہاں ایک ایجوکیٹڈ آرٹسٹ پروڈیوس کریں گے کوالٹی وائز اور ہم اس کو دوسری دنیا میں بھیجیں گے تو آبویسلی ہماری اکانومی پہ بہت اچھا فرق. آپ نے بہت ایک امپورٹنٹ بات کی, ایجوکیشن سے میرا یہ تو سوال بڑا ہی ویگ ہوگا کہ کیا فرق پڑتا ہے. آبویسلی زمین آسمان کا فرق پڑتا ہے کہ ایجوکیٹڈ انسان اور دوسرے میں, لیکن آئی تھنک سو آپ کو اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنا بھی آ جاتا ہے. بندے کو ایکسپوزر ظاہر ہے جب ملتا ہے, اس کے بعد باقی اس طریقے بھی آتے ہیں کہ یار اپنے آپ کو آپ کس طرح کیش کرائیں گے. تو اس کے علاوہ یہ ابھی کافی آپ کو ڈفرینٹ اپرچونیٹی ملتی ہے ایجوکیشن کے ساتھ, کیونکہ ہم دونوں بھی ایک ساتھ ہی تھے ایجوکیشن وائز بھی, تو وہاں سے ہی ہمیں ایک ایکسپوجر ملا, ہم لوگ آگے گئے فردر جا کے ہم لوگوں نے میوزک کو جگہ پہ پہنچایا. تو کافی حد تک آپ کو مطلب ظاہر ہے اگر آپ ایجوکیشن کریں گے اٹس ناٹ اباؤٹ جسٹ ایجوکیشن, میوزک بھی ساتھ میں ایک ایجوکیشن اٹ سیلف. بالکل, تو یہ کافی افیکٹ پڑتا ہے اس حوالے سے. تو اب یہ ہے کہ ہمارے اپنے جیسے اس نے آلریڈی کہا کہ ہمارے اپنے لوگ جو ہیں وہ جو کہ اتنے ایجوکیٹڈ نہیں ہیں تو وہ اپنے ٹیلنٹ کو آگے شو نہیں کر پاتے, ایجوکیشن کا بہت بڑا رول ہے اس حوالے سے. پلیٹفارم آپ دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہو, جیسے اب ہم لوگوں کے بہت سارے اس طرح کے ریالٹی شوز آ گئے ہیں یا جس میں لائیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے, کوک اسٹوڈیوز کی ایک ایگزامپل ہے, اس کے پھر بیسمنٹ ہے, تو اس میں بھی یو آر بیسکلی ڈیپینڈنٹ آن اندر پرسن کہ وہ آپ کو چوز کرے, وہ آپ کو پلیٹفارم دے, وہ ریکارڈ کرے. آئی ول ایڈ ون تھنگ, انٹرنیشنل آپ جائیں گے تو بینگ این آرٹسٹ بہت ساری چیز ریکوائرمنٹس ہوتی ہے, آپ کوئی فیسٹیول میں جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ فار ایگزامپل اف آئی دیئر از اے فیسٹیول ساؤتھ بائی ساؤتھ ویسٹ, جو دنیا کا سب سے بڑا میوزک فیسٹیول ہوتا ہے, وی آر لکی ہم نے اسے ادھر ہم نے پرفارم کیا آسٹن ٹیکسس میں. تو یہ ہے کہ اس سے کافی کچھ ہم نے لرن کیا. فار ایگزامپل وی آر ریکوائرڈ کہ جناب اپنا الیکٹرانک پریس کریٹ جو ہے نا وہ سبمٹ کروائیں, ہم اپنا ٹیکنیکل رائڈر سبمٹ کروائیں,
हम अपना जो है ना क्या होता है, दिस इज फॉर बिंग अ म्यूजिशियन. हमने जब रिसर्च किया, लेकिन जो हमारे साथ और भी दो फोक आर्टिस्ट थी यहाँ से, माई दाई थी थर से, तो दे कुड नॉट डू देट थिंग. और फिर दूसरे लोगों ने उनके लिए वो मैनेज कर लिया. लेकिन एनी हाउ टाइम लगेगा इस चीज में, इट्स नॉट अ सडन चेंज. वी हैव सच अ ग्रेट आर्टिस्ट इन अ मार्केट इन पाकिस्तान में, बड़े पड़े हुए. अच्छा, यू हैव लर्न सो मच, आपका तो एक्सपोजर भी है, फिर यू नो यू आर मोर फैमिलियर विद इवन द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कि किस तरह आपने सोशल प्लेटफॉर्म पे अपने आप को कैसे प्रमोट करना. आपका कोई मैनेजर है? ना, वी डू मैनेज, यू डू इट योरसेल्फ, राइट? सो आई एम टेलिंग यू बिकॉज़ यू नो हाउ टू डू दिस. कभी सोचा है इसको आगे एज एन एजुकेशनल वो बनाने का, जो क्योंकि बहुत सारे मैं इंक्लूडेड यू नो कि जो आपसे सीखना चाहे? वी आर ऑन इट. एक्चुअली ज्यादातर लोग जो हमसे क्वेरी करते हैं, गुरु बाप की करते हैं. और हमेशा कहते हैं वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट. यस, यू कैन से कोई इंस्ट्रूमेंट. मैं तो सबको कहता हूँ कि जनाब कोई इंस्ट्रूमेंट मुश्किल नहीं है. इट्स लाइक शौक हो तो सब मुश्किल. शौक भी होना चाहिए. म्यूजिक इज लाइक अ लैंग्वेज. अगर आप इंग्लिश को देखें तो ABCD बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो इसको अगर आप फॉर्मूले में डालो तो उसके सारे ग्रुपिंग करना और उसके टर्म्स बनाना, इट्स मोर डिफिकल्ट. म्यूजिक की सिर्फ सारे गामा पादा नीसा, दैट्स इट. सेवन के जो आपको बनाते हो ना, तो आई थिंक इट्स मोर इजी राइदर टूअर्ड. तो म्यूजिक का ये है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप ले लें और उसका इनिशियल बेसिक्स कर लें कि जिसको किस तरह करना है. अगर फ्लूट है तो कहाँ से सा निकलता है, कहाँ से रे, कहाँ से गा, कहाँ से मा. कहना बड़ा आसान है ना, मैं तो कुछ समझ नहीं आ रहा. इट्स इजी. एवरी टाइम आई हेल्ड अ गिटार एंड जस्ट लाइक कि खुद बजना शुरू हो जाए, जैसे मूवीज में होता है, ठीक है मैं सिर्फ ये करूँ और ये बस बजना शुरू हो जाए. इट्स इजी. यू नीड अ लॉट ऑफ पेशेंस टू. या, यू आर राइट. इनिशियली मैं अपना स्टोरी करूंगा. जब मैंने स्टार्ट किया इसको लर्न करना, तो भाई ने भी कहा चुप कर दो तीन गाने सीखे, अरे वाह यार ये आपने कमाल कर दिया. अच्छा, तो ये इंटरेस्ट भी पैदा हो गया, एनकरेजमेंट भी मिल रहा है, अच्छा कर रहे हैं. और इस तरह और प्रॉपर्ली सीखा है आपने किसी उस्ताद से कभी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल. किसी ने भी, ऑल ऑफ यू, किसी ने भी नहीं सीखा? नहीं, सेल्फ टॉट. हम चारों इनिशियली हाँ बेसिक्स सीखे हैं जरूर. और मैं यूट्यूब थे आपके उस्ताद? यूट्यूब में जिस वक्त हमने स्टार्ट किया, बाय द वे उस वक्त 2006 से मैंने स्टार्ट किया इंस्ट्रूमेंट प्ले करना. और इट वॉज मैं मौसीकी से मेरा कोई शौक नहीं था उस वक्त, लेकिन दोस्त को मैंने इंस्ट्रूमेंट गिफ्ट किया, उसके वाले साहब को अच्छा नहीं लगा, उसको गिटार गिफ्ट में दे दिया. सो इससे फिर मेरा सोच चेंज कर लिया कि जनाब हमारे कल्चरल इंस्ट्रूमेंट को निगलेक्ट करके उसको वेस्टर्न दिया. एनी हाउ वेस्टर्न वो भी एक साज है. सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माय करियर. मैंने रुबाब उठाया. उस वक्त काफी कम लोग इसमें इन्वॉल्व थे, सिचुएशन की वजह से, हालात की वजह से भी लोग डरते थे. और तो मार्केट में लोग नहीं थे कि उसको सिखा सके. और दो तीन जगह थी, लेकिन मैं वहां जब गया हूं तो एनवायरमेंट मुझे वही नहीं, वो नहीं मिला जो कि जिस एनवायरमेंट में मैं पला बड़ा. क्या था, क्या एनवायरमेंट? वो अच्छा नहीं था. देखें वो लोग इसको सीरियस नहीं लेते. दूसरी बात यह है कि चुपके बजाना और अच्छा हमारे यहाँ ना ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है छेड़ दिया. टाइम एक छोटी सी ब्रेक का हो रहा है, इस पर हम बात करेंगे कि हमारे यहाँ म्यूजिक को बड़ा टैबू समझा जाता है. इवन तो हर कोई सुनता है. आई डोंट थिंक ऐसा कोई भी इंसान है जो ना सुनता हो. किसी ना किसी तरह का म्यूजिक जरूर सुनता है. हर घर में कहीं ना कहीं जरूर आपको म्यूजिकल वो सुनाई देता होगा, लेकिन इसको एक टैबू समझा जाता है. जब भी कोई भी बच्चा अपने पेरेंट्स से इजहार करे, सिर्फ म्यूजिक नहीं आर्ट्स की कोई भी फील्ड हो जाए. तो मेरी अपनी अम्मी, जब मैंने उन्हें शुरू में एक जमाने मुझे बड़ा शौक था फैशन डिजाइनर बनने का, तो मुझे कहती बेटा फैशन करने के लिए डिग्री नहीं चाहिए होती. ठीक है, पहले कुछ बन जाओ, उसके बाद फैशन भी कर लेना. तो इस पर भी हम बात करेंगे, बिकॉज इट्स सो इम्पोर्टेंट कि आपकी फैमिली आपका साथ दे, आपका सोसाइटी आपका साथ दे.
कलेक्शन आई मस्ट से. और मैं भी इनसे पूछ रही थी, तो बड़ा अजीब लगता है एक पठान आ जाए ना सेट पे, फिर हम वैसे पश्तो में बात कर रहे होते हैं, फिर यहाँ पर आके हमारे यहाँ. मैं उस दिन भी बात बता रही थी, हम गिलगित बल्तिस्तान से मेहमान आए थे, तो कह रहे थे हमारे यहाँ 5 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, लेकिन माइग्रेशन की वजह से, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ आ गए, तो हमारी लैंग्वेजेस डाइंग आउट, मिक्स भी हो रही है, खत्म भी हो रही है. तो मैंने कहा पठानों के साथ ये नहीं हो सकता, क्योंकि दो पठान जब आपस में मिलते हैं तो उनके लिए बड़ी एक बेइज्जती वाली बात होती है कि अंग्रेजी बोल रहे हो, उर्दू बोल रहे हो, पश्तो नहीं आती. मैंने क्यों बोल रहे हो, पश्तो नहीं आती तुम्हें, बहुत जरूरी है बोलना. तो मुझे बड़ा अजीब लगता है ना जब उर्दू में हम फिर बात कर रहे होते हैं. लेकिन आप सबके लिए एक्चुअली पश्तो में भी अगर आप देखते तो हमारे लैंग्वेज में बहुत डायलेक्ट बहुत है, लेकिन द बेस्ट पार्ट इज के एक मिडिल डायलेक्ट भी है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर फ्रॉम करक और मैं स्वात से हूँ, तो हम जब एक दूसरे कन्वर्सेशन पे आ जाते हैं तो हम वो मिडिल भी अख्तियार कर लेते हैं. यूजुअली पेशावरी जो है ना, वो तो सबको समझ आ जाती है, सबसे आसान है, है ना, मेरी पश्तो तो आप लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आई. वजीरिस्तान बनू और ये जगह इसकी बिल्कुल समझ नहीं आती. मेजोरिटी जो वजीरिस्तान के लोग हैं ना, उनकी हम लोग हम कहते हैं यार बेशक तुम उर्दू में बोलो लेकिन ये मत बोलो. बिल्कुल ऐसा ही, मैं खुद एक बड़े से बाद अगर कभी गाँव जाऊँ ना तो मुझे भी समझ नहीं आ रही होती, और ये बड़ी इंसल्टिंग बात होती है अगर आप अपनी जुबान भूल जाए तो फिर जल्दी से जल्दी से रिवाइज करनी पड़ती है. अच्छा, ये जो कॉम्पोजिशन हमने जितनी भी सुनी है ये सब आपकी ओरिजिनल कॉम्पोजिशन? तो उसके लिए तो मुझे लगता है माइंड सेट एक जैसा होना बड़ा जरूरी है. तो ये बैंड कैसे फॉर्म हुआ आपका, और इसका नाम सबसे पहले ना खुमारियान नाम है? यस, खुमारियान. ठीक है, जिसको खुमारियां कहते हैं सारे इस्लामाबाद में. इस्लामाबाद में सारे खुमारियां कहते हैं. खुमारियान का क्या मतलब? खुमारियान मीन्स द साउंड ऑफ इंटॉक्सिकेशन, और एक ऐसा स्टेट जब आप फॉर एग्जाम्पल कुमार के स्टेट जो कि म्यूजिक की ट्रांस में, म्यूजिक का ट्रांस. ठीक है तो एक अल्टरनेटिव स्टेट ऑफ माइंड होता है आपका व्हाइल प्लेइंग. सो वी स्टार्टेड इन 2009. मैंने इनिशियली म्यूजिक प्रमोट करना स्टार्ट किया, डिफरेंट यूनिवर्सिटी में मैं गया हूँ. आई वॉज द फर्स्ट वन कि किसी खैबर पख्तूनख्वा में किसी यूनिवर्सिटी में कोई म्यूजिक सोसाइटी बनाया मैंने. अच्छा, और हम सब वहाँ से पढ़े. एनी हाउ जब इसको प्रमोशन स्टार्ट की मैंने, तो वही रिवायती अंदाज से प्ले करना, जनाब तबले के साथ रुबाब को मिक्स करो. लेकिन मैं चाहता था कि जनाब इसको यंग जनरेशन को मैं अट्रैक्ट करूं, अपील करें. वो चीज नहीं हो पा रही थी. आई ट्राइड अ लॉट, और हारमोनियम और तबले के साथ. एनी हाउ उसका अपना एक अंदाज है और उसके अपना एक मजा है. और लेकिन ये है कि जो यूथ अट्रैक्ट करना था, तो दैट्स व्हाई एक एक्सपेरिमेंट किया हमने कि एक लम्स में लाहौर में यूनिवर्सिटी बैंड की कंपटीशन था. तो एनी हाउ आई वाज रनिंग दिस म्यूजिक सोसाइटी इन माय यूनिवर्सिटी. तो हमने पहली दफा पेशावर से कोई गया होगा वहां? यस, दिस इज फर्स्ट इन म्यूजिक. इन म्यूजिक, यस, यू आर राइट. तो फिर हमने क्या क्या किया, गिटार के साथ मौसीकी मिक्स की. और लेकिन सबसे पहले आई फाउंड शिराज गाय. ये पहले लोटो पे और घी के डब्बों पे नहीं, वो स्टार्ट है क्योंकि जाहिर है क्योंकि ये जो इंस्ट्रूमेंट है काफी ज्यादा रेयर है, आपको इतनी आसानी से नहीं. अच्छा, ड्रम्स का नहीं कभी शौक हुआ? ड्रम्स का था, मैं बचपन में ड्रम्स ही बजाता था. अच्छा अच्छा. फिर उसके बाद जब मैंने चूंकि यही कहा कि यार जब कल्चर एक चीज है हमारे अपने कल्चर की, तो मैं ड्रम्स की तरफ क्यों उतना जाऊँ. अभी यहाँ नहीं, इसको जम्बे ऐसे कहते हैं ग्लोबल लैंग्वेज में, हमारी जो लैंग्वेज है जीरबगली कहते हैं इसको. जीरबगली हाँ, काफी मुश्किल नाम है, तभी हम इसको जम्बे कहते हैं. बगल में रख के जरब में. अच्छा, फारसी वर्ड. ओह नाइस. ये मुझे नहीं, बिकॉज़ समथिंग सिमिलर वाज प्लेइंग ओवर हियर. जब मैंने आपको बताया ना, इवन हमने गिलगित का भी, उसको तुम्बक वो कह रहे थे. जी हाँ, वो बिल्कुल फ्लैट्स होते हैं, उसकी आवाज डिफरेंट. ठीक इसलिए है ये जम्बे. जम्बे. और लेकिन ये है कि वही है. मुझे लगा था ये अफ्रीकन इंस्ट्रूमेंट है. ये वाला अफ्रीकन है क्योंकि आज मैं लेकर, दिस इज हाई बेस. और जो हमारा अपना है, दैट इज वेरी स्वीट वॉइस. वो हल्की मध्यम सी आवाज होगी. दिस वाज अ गिफ्ट फ्रॉम गाना. दिस वाज, हां एग्जैक्टली, ये गाना से आया है. आई रिकॉग्नाइज दैट. अच्छा, तो फिर ये आपको मिले अपनी ही यूनिवर्सिटी में. व्हाट अबाउट द अदर टू? और देन आमिर शफीक वाज आल्सो इन द सेम यूनिवर्सिटी. ही जॉइंड अस. और वो जो मिक्स बना म्यूजिक का, इट वाज रियली अमेजिंग. व्हाट डिड ही प्ले देन? गिटार. अच्छा, और फिर हम चले गए, हमने कंपटीशन में हिस्सा लिया. And we didn't win, but we stood there. और हमने fourth position लिया, जो कि it was very मतलब first time किसी band के लिए. First time, बिल्कुल. और इसके बाद थोड़ा energy वहाँ से मिली कि अच्छा इसका इन चीज में तो interest है, लोग interest भी ले रहे हैं. वहाँ से KPC भी लोग आए हुए थे, वो भी interest ले रहे थे students. और जब हम वापस में आए, तो we decided कि जनाब कोई band हम form करें, why not? और then
shaped in the form of Khumariyan. Or Sperlini later on, we were playing a gig at Fast University Islamabad. Or wo bhi competition tha. Because initially hum इसी तरह होता है आपके फेस्टिवल्स होते हैं यू हैव टू हम फ्री में परफॉर्मेंस करने के लिए जाया करते थे वी बिग हमें परफॉर्मेंस प्लेटफॉर्म की जरूरत थी बिकॉज़ आपने आपको प्रमोट करना होता है आई नो अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट एक्चुअली जो मैं हमेशा कहती हूं इस्लामाबाद में म्यूजिक का जो वो सीन है वो बहुत अच्छा है अंडरग्राउंड आर्टिस्ट हमारे पास बहुत सारे हैं है ना कंपैरेटिवली देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल और फिर यहां से वो लाहौर और कराची चले जाते हैं कभी वापस नहीं आते फिर हमारे लिए जाते भी नहीं है बट दिस इज हाउ इट इज तो फिर इज इंटरेस्टिंग वी आर प्लेइंग ऑन द स्टेज और जनाब हम गाना बजा रहे हैं और मस्त हो रहे हैं दरमियान में जनाब एक बंदा आ गया गिटार उठाए हुए वो भी प्ले करना स्टार्ट करे हम इसको देख रहे हैं कि यार ये कहाँ से आए हो तुम रैंडमली रैंडमली यस लाइक फ्रॉम नो वेयर और हम एक दूसरे को देख रहे हैं तो आमिर शफीक और स्पर्ली ने कहा ओके ओके ज्वाइन द पार्टी अच्छा और वो प्ले किया एंड हम उसको ना जानते कि ये बंदा कौन है इसका नाम क्या एनी हाउ वी प्लेड दैट गिग और जब हम जा रहे थे तो हमने उस ऑर्गेनाइजर्स ने चीख मारी को कम हियर से हमने क्या हुआ उसने कहा यार आप जीत गए हो और व्हाट बहुत सडन थे और वो 10,000 रुपए वाज द फर्स्ट इनिशियली इनकम ऑफ द बैंड ओह वाओ व्हाट अ वंडरफुल स्टोरी एंड वहां से फिर हमने थोड़ा सा उसको सीरियस लिया और आई इस पहले से इंट्रोड्यूस किया उन्होंने कहा क्यों आए हो उसने कहा यार मैं पठान हूं अच्छा और मैं पिशावर और करक से बिलोंग करता हूँ और ये है कि जनाब पसंद आया आपकी मौसीकी बस मैंने गिटार उठाया वाज हियर और मैंने प्ले करना स्टार्ट किया तो मैंने कहा व्हाई नॉट यू शुड जॉइन द बैंड और फिर वो आ गए अच्छा अभी मैं आपसे पूछूंगी उनके साथ जैमिंग तो मुश्किल होती होगी बिकॉज़ ही लिव्स इन अ डिफरेंट सिटी पर हमारे साथ एक कॉलर है अस्सलाम वालेकुम हेलो ओहो हमारे साथ सऊदीया से कॉलर थे थोड़ा सा वेट कर लिया करें कोई बात नहीं हमारे साथ रहा करें हमें बड़ा शौक होता है आपसे बात करने का आप लोग ऐसे जाम कैसे करते हैं फिर मतलब ही लिव्स ओवर हियर तो ये नई कॉम्पोजिशंस बनाने में कितना टाइम लगता है दिस इज ट्रू के बाय द वे हमारा जो म्यूजिक है दिस नॉट आवर ब्रेड एंड बटर और ठीक यू ऑल ऑफ यू हैव डे जॉब्स वी हैव जॉब्स ठीक है और दूसरी बात यह है कि हम जो म्यूजिक का जो पैसा है हम उसमें से 70% चैरिटी भी करते हैं ओह जबरदस्त करते हैं फॉर द फोक आर्टिस्ट जो कि गरीब हैं और जो कि बूढ़े हो चुके हैं और अभी नहीं बजा रहे एनी हाउ दिस अ कंट्रीब्यूशन टू अस कि हम उसको क्योंकि हम वी आर नॉट अ म्यूजिशियन लाइक वी आर लाइक हम लड नहीं है असल जो हक है उन लोगों का है जिन्होंने मतलब पूरी जिंदगी इसी में गुजारी है और दैट्स वेरी बिग ऑफ यू टू से मतलब यू नो हमारे यहाँ आपने एक अदर साइड ऑफ द स्टोरी भी देखी है जहाँ पे यंग आर्टिस्ट वन हिट वंडर्स बन जाते हैं एंड दे डोंट फील एनी रिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड्स एनीवन सो दिस इज अ सीएसआर फॉर अस एंड वी डू दैट और अच्छा तो मतलब आप लोगों का ये ब्रेड एंड बटर नहीं है बिल्कुल भी पर यू डू मतलब शौक भी आपका आपको कहीं ले जाता है ना मतलब आपकी जो कॉम्पोजिशंस एंड एवरीथिंग आई सी दैट यू हैव मेड सम वीडियोस एज वेल ठीक है इसको कमर्शियली आपने रिलीज किया हां कमर्शियली रिलीज किया हुआ है और फॉर एग्जांपल दिस तमाशा सॉन्ग है इसने लेक्स टेल अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट हुआ वॉन सो मेनी अवार्ड्स एक्सप्रेस ट्रिब्यून सॉन्ग ऑफ द ईयर भी करार पाया अच्छा जबरदस्त इट इज द फर्स्ट पश्तो सॉन्ग जो के 31 इंटरनेशनल लोकल फैशन शोज पे उस पे मॉडल्स ने किट वॉक किया हुआ है अच्छा सो एक्सपोजर तो काफी है काफी पर आप खुद उसको नहीं इतना वो कर लेकिन ये है कि यूएसएमबीसी स्पॉन्सर्ड दिस सॉन्ग और हमें पे किया फिर हमारा जो बिला है काफी लोगों ने इसको भी परचेज किया हुआ है फॉर दियर डॉक्यूमेंट्रीज और वर्ल्ड बैंक ने फिर देवान मोटर्स ने तो ये इस थिंग बट आई सी अ लॉट ऑफ पर्पस इन ऑल ऑफ दिस मतलब इट्स नॉट जस्ट कमर्शियल मतलब यू नो कहीं ना कहीं पे आप अपनी फोक हिस्ट्री को जो है प्रमोट कर रहे हैं आप अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं देखिए बेसिक एम हमारा है ही है कि हम लोग अपने जो कल्चरल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि लोग भुला चुके हैं ये भी एक जमाने में होते थे उनको हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं ऐसा ऐसा मतलब हमारे अपने हाथे में जितने इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं हम इनको इंट्रोड्यूस करें लोगों की जाने अभी इसने सितार स्टार्ट किया अगर उसकी मैं आपको कहानी बताऊं पश्तो सितार का सिर्फ एक प्लेयर रह चुका है जो कि जिंदा ज़ैनुल्लाह उस्ताद अच्छा ठीक है अब इसने इस तरह का एक इनिशियल लिया है कि यार मैं आगे बढ़ता हूँ इस इंस्ट्रूमेंट को लेकर आके मैं सीखता हूँ इसको तो अब जाहिर है उसकी वजह से अब मैं उसको फरहान का बहुत ज्यादा वो करूंगा क्योंकि रबाब जो एक जमाने में लोग समझते थे कि यार ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि लोग ऐसे हुजरों में बजाते हैं मतलब जो गैदरिंग में बजाते हैं बिल्कुल बिल्कुल उसकी वजह से लोग रबाब की तरफ आते नहीं थे इसने एक इनिशिएटिव लिया कि मैं इस रबाब को आगे बढ़ाऊंगा थैंक यू हालांकि मैं आपको बताऊं हम लोगों की जो ऑफिशियल साइट है आई थिंक सो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा बट यूएन की साइट्स में से ऑफिशियल साइट है जिसके अंदर जब आप पेशावर खोलते हैं तो उसका बैकग्राउंड म्यूजिक है रुबाब
ठीक है, और वो इतना खूबसूरत है कि एनी पर्सन हु बिलोंग्स टू दैट पार्ट, ठीक है, एक तो मुझे लगता है हम लोगों को कुछ ज्यादा ही अफिलिएशन होती है, जो भी माइनॉरिटी होती है ना वो बड़े जोर से कम्युनिटी जुड़ी हुई होती है, तो आपको इतना अच्छा लगता है वो सुन के, एंड मुझे बहुत शौक है, बहुत शौक है सीखने का, मुझे पेशेंस बिल्कुल नहीं। इसका एक प्रैक्टिकल हमारे साथ होता है, अक्सर हम साउंड चेक्स करते हैं बिफोर आवर कॉन्सर्ट्स, मोस्टली जब केपी साइड में हम करें तो हम बीच में पहले गिटार्स बजते हैं, फिर मैं ड्रम्स ये बजाता हूँ, ये बीच में चुप रहता है, जैसे रबाब बजता है लोग एकदम से शो मचाते हैं, बस यही चाहिए। इट्स नॉट ओनली रबाब, हमारे सारे फोक इंस्ट्रूमेंट, वी हैव सरिंदा पाकिस्तान की फोक इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, वी आर सो रिच, यू नो, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूं, टाइम छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, जो हम इतने ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहे हैं, हमारे पास एक एक्टिविटी है जिसमें हम आपको डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स दिखाएंगे, एंड आई विल सी इफ यू कैन आइडेंटिफाई देम, मैं भी ट्राई करूंगी साथ में आइडेंटिफाई करना, एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नाम से तो मुझे पता चल गया था, क्या बना रहे हम? स्टर फ्राइड चिकन विद सिचुआन सॉस। सिचुआन सॉस, ठीक है, आज मैं ये देख ही लूँ फाइनली कैसे बनती है। वैसे मैं आपको एक उस दिन मैंने स्टोरी आपसे शेयर की थी कि ऑनलाइन मैंने ऑर्डर किया एक चाइनीज जगह से, मैं आपका बिजनेस नहीं खराब करना चाहूंगी, नाम नहीं लूंगी, लेकिन इतनी बुरी तरह प्रेजेंटेशन जो होती है ना, मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखी। अब आपने देखा होगा बाहर जो चाइनीज टेक आउट होता है बहुत मशहूर है, उनका एक बॉक्स सा होता है, उसी के अंदर चॉपस्टिक्स होती हैं और उसमें वो सब आपको मिक्स करके दे देते हैं, तो पाकिस्तान में भी किसी इंसान ने ये अच्छी सी सोच सामने लेकर आए, लेकिन उसको इतना बुरा एग्जीक्यूट किया है कि जब उन्होंने मुझे डिलीवर किया ना, तो वो एक शॉपर के अंदर था। अच्छा। और जब मैंने वो शॉपर खोला तो वो पूरा उसका जो पैकेट था वो सॉगी हुआ हुआ है, और मुझे सिचुआन से याद आया क्योंकि वो उसके नीचे बहुत ही बुरी गोभी थी, वो नूडल्स नहीं थे, गोभी के ऊपर उन्होंने थोड़ी सी चिकन डाल के और ढेर सारी सॉसेस डाल के मुझे पकड़ा दी, और बड़ा अफसोस हुआ। कौन से रेस्टोरेंट का नाम नहीं बताएंगे? ये मैं आपको बात बताऊंगी, रेस्टोरेंट का नाम बाद बताऊंगी। मैंने उसके बाद सारे अपने दोस्तों को कहा, मैंने कहा इधर से मत मंगाना कभी भी कुछ भी, और कभी कभी होता है ना कि आप जब किसी की गिबत कर रहे होते हैं, किसी के बारे में कुछ बुरा लिख रहे होते हैं, तो गलती से उसी को भेज देते हैं वो, तो मैंने वो पूरा लिख के ना कि इतना बुरा रेस्टोरेंट है, यहाँ से कुछ नहीं मंगाना, तो जो बेचारा राइडर आया था मेरे पास, मैंने उसी के नंबर पे टेक्स्ट कर दिया, मैंने कहा चलो इसको भी समझ आ गई होगी कितना बुरा खाना था। नेक्स्ट टाइम आप चाइनीज सीखेंगे मतलब? नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं घर पे बनाऊंगी, देखिए आज यहाँ पर हम सीखेंगे कि कैसे बनाते हैं ताकि आपको बाहर से जो है ना मंगाना पड़े। अच्छा जी, क्या कुछ है इसमें इंग्रेडिएंट्स? मेरे पास चिकन है, ब्रेस्ट चिकन, ठीक है, चिकन ब्रेस्ट, प्लेन नूडल्स है, ठीक है, विद मैं प्लेन नूडल्स के साथ जो ना सर्व करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो बेबी कॉर्न, बटर मशरूम है, सोया सॉस, ऑस्टर सॉस, चिली सॉस, चिकन पाउडर, गार्लिक एंड जिंजर चॉप्स, शुगर, सेसमी ऑयल, कॉर्नफ्लोर, एग्स, ये सारे ऐड होते हैं, काफी कुछ है इसके अंदर, ठीक है, सही, जबरदस्त। इसको हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम इसको चिकन को मैरिनेशन करेंगे। अच्छा, ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, आप में से कोई कुकिंग करता है? आज इधर ही आ जाए आप, अगर आप, हाँ हाँ जरूर, कुकिंग करते हैं आप? कुकिंग करता हूँ, लेकिन आज आपको कोई पिशावरी कढ़ाई टिक्के मक्के करने चाहिए थे, बना दिया तो माहौल भी टिक्को का है। देखिए मैं हमेशा कहती हूँ, जब भी मेरे पास ऐसा कोई देख मेहमान मानते नहीं है कि हम कुकिंग करते आने से पहले, क्योंकि मैंने तो कहा हुआ है कि अगर किसी मेहमान को कुकिंग आती हो तो उस दिन हम शेफ साहब को दावत नहीं देंगे, उन्हें जहमत नहीं देंगे, ठीक है, उस दिन जो है ना आप ही आके कुकिंग करेंगे, तो मेरा तो बड़ा दिल था यहाँ पे एक बार भी बुलाएगा, क्योंकि मैंने भी आपको खिलाएंगे ना, उस दिन आपको खिलाएंगे टिक्की बिक्की, ये हम बना लेते हैं कढ़ाई, लेकिन ये चाइनीज और ये जो कॉन्टिनेंटल है इसमें थोड़ा सा पीछे है, ये शिराज अच्छा बनाता है, एग बॉयल कर लेता है, ग्रीन टी भी बना लेता है, उसके लिए भी टैलेंट चाहिए है ना, बातें बताने के लिए। अच्छा, जो आप बना लेते हैं टिक्के विक्के, वो लोग शौक से खाते भी हैं? शिनवारे बहुत मशहूर है और चिकन कढ़ाई फिर हमारा मशहूर है। दूसरी बात, मैं जो स्पेशलिटी बनाया वो दम पोख्त है, साइकिल की वेरी वेल, और जो हमारे कबायली लोग हैं। आप कब तक इस्लामाबाद में, मुझे बताइए, हमारे पास सारी अरेंजमेंट्स है, ठीक है, जरूरी नहीं की हमारे कैमरे ऑन हो, यस, ठीक है, हम आपसे दम पोख्त जरूर जरूर, इट्स वेरी, उसमें क्या होता है जी, दुम्बा है की पीसेज लें, जिसमें चावल स्टफ करते हैं, क्वेटा का है वो, जमीन में बहुत किस्में दुम्बा रख लेते हैं और उसमें कोयला वोयला, और वो भी बड़ा जबरदस्त होता है। ये तो सैंपल है, पतीला ले लें जनाब, उसमें से दुम्बा डाल लें
और जो दिल्ली की फर्स्ट ऑफ ऑल चर्बी होती है, नीचे से उसमें चर्बी से डाम दें, उसमें से ऊपर मीट शीट जो के डाल ले, फिर उसमें आलू 4-5 आलू और ये प्याज नहीं चिली, ग्रीन चिली 2-3 और ये जो होती है गार्लिक, लेकिन साबुत उसमें से पूरी 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 दो जैसे स्टू बनाते और उसको ढांपते हैं, लेकिन ये है कि गोश्त जो पतीला है उसके साइड से ना लगे, इसके बिल्कुल सेंटर ही में रहे। अच्छा बीच बीच और आधा प्याली उसमें से पानी डाल ले, ठीक है, इसको ढांप दें, आटा गून ले उसको और जो साइड है ऐसे आटा गूंदना है आपने, ठीक है, नया तरीके आटा गूंदने का, ठीक है, आटा गूंद ले सही, बिल्कुल हल्की आंच पे, बल्कि पहले आप इस तरह कर लें कि एक कोई इस पे टीम रख लें चूल्हे पे, ठीक ठीक, ताकि इसको डायरेक्ट ना लगे, डायरेक्ट हीट ना हो, और बिल्कुल हल्की आंच पे फोर आवर्स तो ये हमारे शो में नहीं बन सकता था ना फिर, हाँ, उसके लिए फिर आपको सुबह हमारे पास 5 बजे आना पड़ता, हम उसको रख देते तैयार करके, इट्स वेरी, इसमें कोई मसाला नहीं डलता और इट्स वेरी खालिस होती है, तो इट्स गुड। ये मेरे डायरेक्टर साहब की फरमाइश है, आप लोगों को बता दो, कहते हैं अगर आपको समझ आ गई है कैसे बनाना है तो कल बना के लाएं, मुझे तो बहुत सारी चीजें बनाने आती है, मैं कभी कन्फेस नहीं करूंगी, तो मेरे हाथों में तो जायका ही नहीं, मैं तो नहीं बना सकती चीजें हैं, कभी मुझे करना ना पड़े। कवर वाले और सोदिया वाले को बकरा साबुत खाने क्यों शौक है जी? क्योंकि सारी उसकी चीजें इंटैक्ट होनी चाहिए ना, मतलब सारी जो न्यूट्रिएंट्स है सारा कुछ चर्बी, ठीक है, पंजाबी कैसे खाते हैं, ठीक है, जो चर्बी होता है आसानी से हजम हो जाता है, इसलिए मसाले नहीं होते तो तकलीफ भी नहीं होती, एनी हाउ इट्स गुड। देखिए आप दुम्बा बना लें, आप चिकन बना लें, आप मटन बना लें, आप बीफ बना लें, जब आप पंजाबी मसालों में बनाएंगे तो हर चीज का टेस्ट मसाले की मात्रा कम होता है, ठीक है, हमारे वाले में मसाले होते ही नहीं है। अच्छा आपके वाले में हम पठान अपनी बरादरी के साथ हो जाती है। अच्छा टिक्के भी जो बनाते हैं, ठीक है, टिक्के उसके ऊपर भी मैं यहाँ पर जब इस्लामाबाद में ईद कर बहुत अरसा जो है हमेशा अपने गांव में ईद की, तो इस्लामाबाद में जब पहली दफा ईद की तो मैंने देखा कि टिक्कों के ऊपर मसाला लग रहा है और वो मैरिनेट हो रहे हैं, तो मुझे बात समझ नहीं आई, मैंने कहा ये क्यों कर रहे हो, तो चिकन के साथ करते हैं ये, उसके साथ गोश्त पे तो सिर्फ नमक लगा के और उसी के साथ जो है ना वो आग के ऊपर सिर्फ नमक, चर्बी उसकी अपनी चर्बी जो होती है वो, और साथ में नमक लगा के बस। इसमें ऐड करूंगा जो अच्छा, इसको पकाना भी है नमक भी, लेकिन उसका काटने का तरीका भी होता है अलग। हाँ मतलब गोश्त अगर चॉप्स काट रहे हो तो उसका अपना एक तरीका है उसको काटना। अच्छा आपने काट भी ली, अभी उसको जो सीखों में लगाना भी इसका एक अंदाज, इनको हमें अगले जब लगाओ और उस पे नमक तो आसान है, बस वो तरीका है वो काट लो उसके ऊपर उसके नमक चढ़ो। हमारा लेकिन एक वो अजीब गंदा सा कपड़ा भी होता है ना, एक वो साथ में हमेशा गंदा सा कपड़ा होता है जिसके ऊपर वो चर्बी का तेल, उसके बगैर जायका नहीं आता, उसके बगैर जायका नहीं आता, वो कपड़ा बहुत जरूरी होता है, वो अगर ना हो तो वो आपके टिक्के जो है अच्छे नहीं। चर्बी के साथ इसको हम पटे तिक्के कहते हैं, जो कि उनके चर्बी में ही हम उनको कोट करके उसे बनाते हैं। क्यों मुझे गोश याद दिला दिया, हम बना रहे हैं यहाँ पे चाइनीज। देखें आप लोग प्लीज, आपको मैं दोबारा दावत दूंगी, ठीक है, उस दिन यहाँ पर जो है एक तो मैं वो क्या कहते हैं वो नहीं वो कसाई वाला होता है, पहले तो मैंने ताकि हम आपको काटने का तरीका बताएं, फिर उसको जो है सीखों पे चढ़ाने का तरीका बताएं, उसके बाद हम यहाँ पे बारबेक्यू करेंगे, बल्कि बाहर करेंगे। ये हमने पहले मैरिनेट। अच्छा मुझे बताएंगे जो चाइनीज होता है इसके अंदर जो चिकन होता है वो इतना क्रिस्पी और वो पॉपकॉर्न टाइप कैसे बन जाता है? क्रिस्पी करने के लिए आपने स्लाइस जैसे कि हम चिकन काटा हुआ है इसको आप काटने के बाद मैरिनेशन करके रखते हैं, फिर इसको हम ड्राई कॉर्नफ्लोर होता है ना, कॉर्नफ्लोर बिल्कुल सूखा कॉर्नफ्लोर होता है, अच्छा। उसके अंदर फेंक देते हैं, अच्छा, फिर इसको निकाल के ऑयल में फ्राई कर तो बिल्कुल क्रिस्पी हो जाता है चिकन। अच्छा हाँ, क्योंकि मैंने देखा उसमें फिश और चिकन में भी इतना फर्क नहीं पता चलता, बिल्कुल बिल्कुल क्रिस्पी हो जाता है। चिकन तो कोई एक चीज होती भी है ना, बिल्कुल हाँ बिल्कुल बिल्कुल पॉपकॉर्न इसी तरह बन जाते हैं। और आप कॉर्नफ्लोर को ड्राई कॉर्नफ्लोर में लेके कॉर्नफ्लोर में फेंक दे, उसको सही तरह से निकाल के ऑयल में फ्राई कर दे, ठीक, जबरदस्त फ्रेश ऑयल में। इसमें भी हम ये मैरिनेट हुआ है, ये मैरिनेशन किया हुआ है, हाँ जी, इसको मैरिनेशन के लॉन्ग टाइम की जरूरत नहीं होता है, आप मैरिनेशन के फौरन बाद ही बना सकते हैं। अच्छा, इसको बना के अगर आधा घंटे घंटे के बाद बने तो ज्यादा अच्छा होता है। और इसमें वही चीजें डली, यानी इसमें कोई इसमें और चिकन पाउडर हो गया, अंडे हो गया, कॉर्नफ्लोर हो गया और साल्ट। अच्छा, ये गार्लिक वगैरह भी डाला है हमने, देखिए उनको सिखा रहे हैं ना। आप वैसे कुछ बनाते हैं? कुछ भी आप भी इधर ये फ्राइड चिकन मुझे आता है बनाना। राशा राशा याद है आपको बनाना? अच्छा तो आप किस तरह मैरिनेट करते हैं? मैं यूजली नहीं करता, मैं मतलब एंड में सिर्फ कुकिंग कर लेता हूँ।
जितना मुझे आते उतने याद है इसमें मैरिनेट कर लेते हैं। I usually ask my mother to do that। अच्छा सब कुछ मतलब मम्मी करती थी आपके? उसके बाद बाकी काम है चिकन पीसेस को, जैसे उन्होंने कहा कि मैं अंडे वो नहीं होता उसको फेंक के इसमें कॉर्नफ्लावर होते हैं, ब्रेड क्रम्स होते हैं मोस्टली, अच्छा उनमें बिल्कुल उनको भर के फिर उसके बाद हम फ्राई करते हैं, डीप फ्राई करते हैं। अच्छा एंड इट्स ऑलरेडी। नहीं शौक किस चीज का आपको खाने का? डू यू लाइक दिस कॉन्टिनेंटल स्टफ? मोस्टली बस वही हम चूंकि यहाँ से हमें गोश्त ही पसंद है। गोश्त बहुत पसंद। शुक्र है आज मेरे कोई तो आज मेरा साथी है। सब्जी है पसंद लेकिन डिपेंड करता है कि कौन सी सब्जी है। अच्छा मुझे तो, मैं तो आउट राइट कहती हूँ, मैं किसी मैं दोस्त के घर जाती हूँ ना तो उनकी अम्मी बड़ी प्यार से पूछती है बेटा क्या खाना है, मैं तो अम्मी दाल और सब्जी के अलावा आप मुझे कुछ भी खिला दो, मुझे दाल और सब्जी मत खिलाए क्योंकि बिल्कुल कितनी बुरी बात है ना ऐसे, बिल्कुल मुझे एग्जाम्पल मत बनाइएगा, बहुत जरूरी है सब्जियाँ और दालें क्योंकि दाल प्रोटीन और उसके बाद सब्जियां जो है बाकी ढेर सारी जितनी भी अच्छी बातें होती हैं वो सब्जियों में होती हैं, तो जरूर खाया करें लेकिन मुझे बिल्कुल शौक नहीं है खाने का, बड़ी जबरदस्ती से और ट्रिक से जो है ना मेरी अम्मी मुझे खिलाती है। दाल डिपेंड करता है काफी। अच्छा मुझे समझ नहीं आती वैसे दाल का इतना फैन कौन होता है, एक हमारा पिज्जा ब्रांड है लेकिन उसका मैं नाम नहीं लूंगी, उन्होंने दाल पिज्जा इंट्रोड्यूस करा दिया था। नहीं अब दाल को इस कदर आप होना कहते हैं कि पिज्जा भी इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। दाल गोश्त समझ आती है, दाल पिज्जा, दाल के ऊपर चीज डली हुई है और वो फ्लॉप हो गया फॉर ऑब्वियस रीजन, नहीं चला वो ज्यादा अच्छे के लिए लेकिन चलता वही है जो कि हमारा पाकिस्तान की खाने अमेजिंग यू नो। हम जब भी बाहर जाते हैं हमें इतनी दुख होती है जब हम अच्छा मसाले साथ लेके जाते हैं अपने आप जब बाहर जाते हैं। यूएस हम गए थे तो थैंक्स टू हिम गेट अगेन कि वहां पे हमें मसाले मिल गए थे पाकिस्तानी और इसने हमारे लिए जो बिरयानी बनाई थी वो आज तक मुझे याद आती है कि इतनी मजेदार बनाई थी। हम लोग वो कर रहे थे यार पाकिस्तानी हमें कहीं खाना मिले लेकिन आज आपने मौका गवा दिया। ठीक है आज आप अच्छा खासा खाना खा सकते थे बगैर मेहनत किए, मिस्टेक होगी जान से, मिस्टेक होगी। तो नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो हमें जरूर बकरा जो है साथ भी लेके आना या हमें लेके आना पड़ेंगे, हम इधर ही हलाल कर लेंगे, ये हमने कसाई को लाएंगे साथ। मैं तो कह रही हूँ मैं पूरा यहाँ लगाऊंगी। अच्छा ये अब हम इसकी साथ सॉस बना रहे हैं। अच्छा इसका मुझे तरीका बता दीजिए फिर हमारे एक ब्रेक का टाइम जल्दी आ। इसमें सबसे पहले आपने ये चॉप गार्लिक एंड जिंजर ऐड किया ऑयल में, ठीक है। हाँ। इसके बाद आपने स्टॉक या पानी डाल दिया, ठीक है। चिकन पाउडर, सोया सॉस, ऑस्टर सॉस, शुगर, ये चीजें ऐड करके, शुगर भी, हाँ जी, थोड़ा सा इसको यानी कि वाल आ गया, ठीक है। चीजें डाल दिया, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड किया, स्टर फ्राई किया, निकाल लिया। चलें जी ये सब कुछ हम यहाँ पे करने लगे, रेसिपी कार्ड के ऊपर आपको इंग्रेडिएंट्स और रेसिपी भी मिल जाएगी। टाइम है छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, फिर बहुत देर होगी हमने कुछ सुना नहीं, ठीक है। वापस आके फॉरन से कुछ सुनते हैं, चलें।
मुझे इतना अजीब लग रहा है ना कि एवरी टाइम यू परफॉर्म आपके सामने चीखे मारने वाले ढिसे ताले बजाने वाले लोग होते हैं एंड इट्स सो साइलेंट व्हेन यू परफॉर्म ओवर हियर नहीं बहुत सारे देख रहे हैं एंड आई थिंक मेबी वहां पे डांस वी आर ऑलरेडी इमेजिनिंग कि वहां पे लोग हमारे सामने ऑडियंस ही बैठी है जो कि देख रही है ऑलरेडी और उतने ही घर में सारे लोग इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं बहुत सारे लोग के बजा रहे हैं अच्छा इस कंपोजिशन का क्या नाम था दिस कॉल मशीन है और हां और जो शिनेम इज कोई भी बंदा जिसकी ग्रीन आईज हो और शीन हाँ और दूसरी बात यह है कि इस इंस्पायर्ड है गिलगित बल्तिस्तान से आप कहने लगे इंस्पायर्ड है इनसे नहीं वैसे मोस्टली मुझसे भी इंस्पायर्ड है ये इंस्पायर्ड है ये इनसे मेरे तो ये है कि वहाँ वहाँ ये मौसीकी का एक फॉर्म है जो वो बजाते हैं जो हम उससे ही लिया हुआ और उसको थोड़ा सा अपना इम्प्रोवाइज करके और अपना स्टाइल देके तो ये बनाए वैसे और बहुत लोग इसको पसंद अच्छा ये बात मैंने उनसे भी पूछी थी फॉर्चुनेटली अभी रिसेंटली ही हम लोगों का जो है गिलगित बल्तिस्तान का भी शो था तो मैंने उनसे पूछा था कि म्यूजिक जो है बहुत ज्यादा मिलता जुलता है पश्तो म्यूजिक और गिलगित का म्यूजिक जो है इवन इंस्ट्रूमेंट्स भी ऑलमोस्ट सेम है रुबाब भी उसका एक बड़ा इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट है तो ये मिक्सचर कहाँ से है बाय द वे है हम तो नॉर्थ साइड सब जो हमारे दूसरी बात है कि जो रुबाब है और सितार है वो जो बजाते हैं चतराली सितार ये पहाड़ों का साज भी कहलाता है जिसका जो सहतार है और चेंज सारी मौसीकी तो पूरी दुनिया की मौसीकी का जो कॉन्सेप्ट है एक ही है सब सरगम पे डिपेंड करता है चाहे आप सिंगिंग करते हो कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हो लेकिन जब डिफ्रेंशिएट करता है हमारे इंस्ट्रूमेंट्स जो कि केपी के हैं और चतराल के हैं तो दे आर फ्रेट्स ऑन दिस रुबाब और सितार के ऊपर तो द नंबर ऑफ फ्रेट्स डिफ्रेंशिएट स्पेशली जो हमारा सितार होता है चतराली सितार होता है जो लंबा सा वो जो प्ले करते हैं तो जो डिवीजन होती है वो चेंज होता है तो वो जब आप इसको बजाते हो तो उससे जो आवाज निकलती है चेंज जो कम्पेयर टू केपी सितार का जो सितार है और हाँ रिजेंबल्स है और इंस्ट्रूमेंट और उसके जो इवन उनके जो बोल है वो उनके गाने जो थे उनकी एक अपनी जुबान में थे एक फारसी में थे तो वो भी मुझे इवन व्हेन दे वर प्लेइंग तो मुझे पूरा पश्तो गाना उसके ऊपर जो है ना सेट बैठ रहा था मैंने कभी अगर मैं गाना शुरू कर दूं तो वो भी एग्जैक्टली इसी के साथ और जो मौसीकी को पहचानते हैं इट्स लाइक मोर 7 बीट सॉन्ग होते हैं अच्छा और उसको जो मतलब एक चक्कर होता है लाइक 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 सो सात सात के चक्करों में जाए होते हैं सो केपी जो कॉन्सेप्ट है वही है सिर्फ उसमें से जो साज होते हैं डिफरेंट होते हैं अंदाज का मुख्तलिफ है थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है अच्छा एक क्वेश्चन द बर्निंग क्वेश्चन ठीक है जो है जो हर कोई आपसे मुझे लगता है पहले भी पूछ ही चुका होगा वोकलिस्ट क्यों नहीं आपके पास कोई वोकलिस्ट की दो वजूहत है एक ये है कि मेजॉरिटी केसेस में अगर आपने देखा हो तो काफी ज्यादा बैंड होते हैं उस बैंड में पीछे म्यूजिशियंस का बहुत बड़ा हाथ होता है कि बैंड को आप आगे बढ़ाओ नहीं उन्हें कोई नहीं पूछता हाँ लेकिन एंड में जो क्रेडिट ले जाता है इट्स जस्ट द म्यूजिक जस्ट द वोकलिस्ट द सिंगर ठीक है आप चाहे जितना भी आप कोशिश करके एक म्यूजिक क्यों ना बना ले, लेकिन आपको एंड में क्रेडिट जो होगा सिर्फ एक सिंगर को मिलेगा याद भी आपको गाना ही वही रहता है वही रहता है उसके अलावा दूसरी एक ये रीजन है वो सिंपल रीजन है कि हम लोग चूंकि इंस्ट्रूमेंटल है तो इसी बिना पर हम लोग दुनिया में रिकॉग्नाइज बिकॉज इट इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज मतलब काफी हद तक आप देखें आप एक चाइनीज सॉन्ग सुने ऑल्दो यू जस्ट लव द बीट बट आपको लिरिक्स की समझ ही नहीं आएगी कि लिरिक्स में क्या कह रहे हैं तो उस चीज को भी हम साथ लेके चल रहे हैं कि यार म्यूजिक इट्सेल्फ इज अ ग्लोबल लैंग्वेज जो मैसेज है वो नहीं ब्लर होना चाहिए ठीक है जो आप मैसेज दे रहे हैं अच्छा द सेकंड रीजन इज वेरी कंपेलिंग ठीक है पहले वाला आई अंडरस्टैंड टू सम एक्सटेंट ठीक है बिल्कुल आप सही कह रहे हैं लेकिन कभी कभी आई थिंक सो एक माठा वोकलिस्ट जो होता है वो म्यूजिक को भी मार देता है ठीक है वो भी एक और सीन है लेकिन जो जो आपका मेन पर्पस है कि यू नो रिवाइवल ऑफ योर कल्चरल म्यूजिक एंड जो रूट्स है वो आई थिंक सो फिर सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल से ही हो सकती है ऑब्वियसली और हमारे जो के स्पॉटलाइट होते हैं जो रुबाब और उसका जो जिरबा गली है हमारा कॉन्सेप्ट ये किसी को हम प्रमोट करें उसके अभी भी रिसेंटली स्टार्टेड से सितारे हुए तो स्पॉटलाइट उन्हीं पे होते हैं अच्छा ये जो आपने सितार स्टार्ट किया जो आप कह रहे हैं कि वी ओनली हैव वन पर्सन रिमेनिंग जो तो हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द जनरल सितार जो वैसे बजाया जाता है सितार इसका स्ट्रक्चर में थोड़ा सा स्ट्रक्चरल चेंज है और दूसरी बात यह है कि जो फ्रिट्स का कॉम्बिनेशन है इट इज डिफरेंट फ्रॉम जी चतराल और जो कंसीडरेबली मतलब मुझे पता चलेगा अगर मैं दोनों सुनूं तो आई कैन टेल कि ये वाला और ये वो वाला है अच्छा देयर इज अ चेंज इन इट ठीक है अच्छा हमारे पास एक एक्टिविटी है
ठीक है, क्योंकि हम इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहे हैं और मैं भी नहीं देखूंगी, इवन तो मेरे पास आंसर्स है, बट आई विल नॉट लुक एट देम, ठीक है, आई विल ट्राई टू गेस दीज इंस्ट्रूमेंट्स विद यू. तो मैं आपको इंस्ट्रूमेंट्स कुछ दिखाती हूँ और हम गेस करेंगे कि ये कौन से हैं. जी बैक पाइप्स. यस, ये तो स्विस से मुझे पता चल गया ना, स्कर्ट से याद आ, किल्ट से याद आ गई थी ये. इसको क्योंकि इसके अंदर से ये मुझे नहीं पता कि किस ऑर्डर में लिखे, बट आई थिंक इट्स अ बैटल रैटल. अच्छा जी, नेक्स्ट ये वो है चाइनीज बेल. बेल ही है, बेल है, अभी तक तो बिल्कुल सही जा रहे हैं. Obviously flute. ये लंबी वाली flute. This is flute, नहीं थोड़ा Irish. This Irish flute as well. इसको नहीं, I don't think so. I think it's this something different. I think it is a tin whistle. उसके सामने सीटी देखे ना, तो लगी हुई है ना, टिन विसल ही है ना मेरे पास, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर में जवाब नहीं है, तो मैं भी गैस ही कर रही हूँ. ये क्या है? ये तो मुझे कोई हिप्नोटाइज करने वाला इंस्ट्रूमेंट लग रहा है. पेंडुलम जो है ना, पेंडुलम टाइप लग रहा है मुझे कुछ. ये क्या है? ये साथ साथ मुझे भी बताइए. इट्स मे बी रिबाब. बिकॉज़ आई थिंक आई कैन सी वो स्ट्रिंग्स इन इट ना, बीच बीच में. इट्स आई डोंट नो. आई डोंट नो ईदर. आई हैव नो आईडिया. चलिए आगे जी. ओके, इसका नाम, हाँ आई नो व्हाट दिस इज. वो जो शेल होता है, इसको क्या कहते हैं? नहीं नहीं, ये बड़ा फेमस है, इसकी ब्लो करते हैं. ये वो, हाँ ये ब्लो करते हैं, ये बच्चा रहे होते हैं, कार्टून्स में बहुत होते हैं. व्हाट इज दिस एग्जैक्टली, नाम क्या है इसका? हाँ आई नो व्हाट दिस इज. हाथी का दांत लग रहा है, और आई थिंक ये होता भी वो है, ये एक एनिमल का है. एनिमल का है, सो आई डोंट नो. ऑक्सफोर्ड नहीं है. हाँ अगला जी. ओ ये तो हम पहचानते हैं ना, ये तो बचपन में इतना बजाया है. होप ये वही हो. बजाया है, लेकिन इसका नाम भी भूल गया. ये एक्स से ए की, ए बी सी डी में एक्स से ए की चीज स्टार्ट हो रही है. एक्स से ए की चीज स्टार्ट होती थी. ये चाइना वाले अच्छी हो जाते हैं. अगला दिखाए जी. ज़ाइलोफोन था ये. ये बैम्बूज के साथ बनाते हैं इंस्ट्रूमेंट्स को. ये ओह माय गॉश, मुझे भी नहीं समझ आ रही है. कोई ट्रेन की पट्टी लग रही है इसमें. ये क्या है? ये सारे चाइनीज इंस्ट्रूमेंट है. ये मुझे लगता है ये थोड़ी जूम आउट हो जाए ना अगर तस्वीर, तो मुझे ज्यादा समझ आएगी. ये भी मुझे ज़ाइलोफोन की एक टाइप लग रही है. अच्छा, ये दुनिया भरी पड़ी हुई है. दे आर सच अमेजिंग इंस्ट्रूमेंट, यू विल फाइंड. ये क्या? ये तो आसान है. इट्स लुक लाइक अ ट्रम्पेट. आई डोंट नो, बट सम प्रोवाइड. इट इज अ ट्रम्पेट, फैनफेयर ट्रम्पेट. ठीक है जी. ये क्लासिकल जो है उसमें बजाया. ये इंस्ट्रूमेंट जो है ना, बाहर अभी रिसेंटली आई जस्ट विजिटेड, तो ये यूज होता है वाइडली म्यूजिक. जो होते हैं बीमार, इसके म्यूजिक थेरेपी करते हैं. हाँ, क्योंकि इसकी बड़ी सूदिंग सी जो है ना, आपके दिमाग में डिफरेंट जगहों पे टंग टंग करने वाली आवाज होती है. कैंसर हॉस्पिटल, और उसमें से ये रिसर्च हुआ कि जनाब आप जब कीमियोथेरेपी करते हो, जब रेडियोथेरेपी होती है, तो म्यूजिक का कंट्रीब्यूशन है कि आपका स्ट्रेस उसमें कम करे, पेशेंट को थोड़ा रिलीफ दे. वी प्लेड, मैं यूएस में गया हूँ, और वी प्लेड इन हॉस्पिटल एज वेल. और फॉर दैट वाज रियली ग्रेट कि जनाब, द बेस्ट पार्ट वाज कि फखर मुझे तब महसूस हुआ कि जनाब आई वेंट टू एक प्रोग्राम है जॉइंट स्टेप्स. अच्छा. और इसमें से पूरी दुनिया से म्यूजिशियन इकट्ठा हुए थे, और एक म्यूजिक एल्बम ऐसे प्रोड्यूस कर रहे थे कि वो सोशल चेंज में कंट्रीब्यूट करें. ठीक है, ठीक. उनका एक शक भी ये भी था कि जनाब तो के जो पेशेंट होते हैं कैंसर, उसको किस तरह इसमें हम मौसीकी का किरदार अदा कर सकते हैं. हाँ. तो पहले तो मुझे सॉरी मैं यहाँ पे ब्रेक लूंगी, क्योंकि ये वाली जो बात है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसको हम जरा इलैबोरेट करके करते हैं, और इस पर मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ, और हमने आज शो स्टार्ट भी इसी बात से किया था कि हाउ म्यूजिक एंड यू नो एनीथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी कॉन्ट्रीब्यूट्स टू योर रिकवरी प्रोसेस जो होता है. छोटी सी ब्रेक के बाद.
जबरदस्त। अच्छा मैं एक बात बताऊँ, जब भी मैंने आपकी परफॉर्मेंस सुनी है स्पेशली जब ये वाला पार्ट प्ले होता है तो मेरे दिल कहता है कोई बीच में जोर से ना एक दफा या कुर्बान, क्योंकि या शुरू में होना चाहिए या बीच में जो है ना होना चाहिए, इसको हम ले लेते हैं, बीच में इनकॉर्पोरेट जरूर करें, क्योंकि हमारा ये एक बहुत ही सिग्नेचर है ना हमारे पश्तो म्यूजिक का ना, और मैं वेट कर रही थी अभी कोई करेगा कहीं से बीच में जो है ना आएगा, खुद जोर से जो है ना या कुर्बान शुरू कर दो। लेकिन अमेजिंग, हम बात बहुत इम्पोर्टेंट एक कर रहे थे और मैं उस पर जरूर यहाँ पे बात करना चाहूंगी। पाकिस्तान में जो है हम लोग अनफॉर्चुनेटली बड़े एक्सट्रीम पे सोचते हैं, हमारे एक्सट्रीम लिबरल्स हैं या हम लोग एक एक्सट्रीम जो है ना हर चीज को कट ऑफ कर देने वाले लोग हैं, और हम उसकी थोड़ी सी भी जो है अगर किसी इंसान को उससे खुशी मिलती है या उससे थेरेपी होती है तो हम उस बारे में सोचते नहीं है। म्यूजिक पूरी एक थेरेपी है, और जो आप मुझे अभी बता रहे थे प्लीज मैं चाहूंगी आप शेयर करें कि पाकिस्तान में जब आपने इनिशिएटिव लेने का कोशिश की है तो क्या रिस्पांस था? बाय द वे वहां हमने देखा, हम हॉस्पिटल गए हुए और वहां जो कि ओल्ड होम्स होंगे, ओल्ड होम्स हम वहां भी परफॉर्म किए तो रिस्पॉन्स इज वेरी गुड। और मेरे साथ इस वक्त नौ ममालिक के म्यूजिशियंस थे, लेकिन जो सबसे सराहा गया और पेशेंट ने जो पसंद आया वो हमारा जो रिवायती साज़ है रुबाब, वो उनको पसंद आया। और एनी हाउ जब मैं यहाँ आया हूँ तो मैं यहाँ के एक हॉस्पिटल में गया हूँ जो कि एक बहुत जाना पहचाना कैंसर का हॉस्पिटल है। और मेरी ये ख्वाहिश थी कि जनाब मैं ये एक्टिविटी यहाँ करूँ कि पेशेंट के लिए मैं रुबाब प्ले करूं, ताकि उनसे थोड़ा सा उसको म्यूजिक थेरेपी मिले और मे भी कोई अगर 10 सेकंड का उसको कोई सुकून मिले तो मुझे खुशी होगी। वैसा भी एक इंसान जो 24 घंटे तकलीफ में है, बेड पे है और वो पसंद करते हैं, एक एक उसका माइंड चेंज हो जाता है, उसको एक आप इन्वॉल्व करो इस चीज में, और बच्चे पसंद इस चीज को करते हैं। तो हर एक चीज में हमें मतलब इसके नेगेटिव एस्पेक्ट को नहीं दी, किसी को पसंद नहीं है उसका तरीका होता है कि हॉस्पिटल में जबरदस्ती नहीं सुनाई, नहीं नहीं हॉस्पिटल में आप जाओ तो रूम पे सपोज अगर उसके पेरेंट्स उधर हैं तो उनसे पूछिए कि जनाब हम सारा एक 30 सेकंड के लिए एक मिनट के लिए लो वॉल्यूम में सिर्फ और सिर्फ मौसीकी सुनाएंगे। और पेशेंट से भी पूछेंगे कि बच्चे आपको भी तकलीफ तो नहीं होगी, आप अलाव कर रहे हो, अगर वो अलाव करे तो उसके अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो ना करें। लेकिन जब मैं इधर गया और मैंने अपना प्रपोजल इसके सामने रख लिया तो उन्होंने कहा कि जनाब और डॉक्टर क्या कहेंगे कि हॉस्पिटल में आप मिरासी घुमाने लाए हो, दिस वाज दस। और जब मैंने ये सुना तो मैंने कन्वर्सेशन मेरा वहां दब गया और मैंने कहा चलो ठीक है। और उसको पता भी नहीं कि जनाब अगर हमें अपने वालिदैन से ये नाम भी मिला हो तो हम भी मिरासी हैं, एवरीवन मिरास से जो चीज मिले एवरीवन इज मिरासी, मिरास है जो कैरी फॉरवर्ड हो रही है, उसको इतना गलत नाम क्यों? और ये काम है ना इसको टैबू लिया जाए। एक्चुअली मैं सबको कहूंगा कि अरी बाजार एक म्यूजिशियन है, उसने एक आर्टिकल लिखा है आई एम मिरासी, तो आप गूगल कर ले आई एम मिरासी को, उसको रीड कर ले तो इट्स वेरी इन्फॉर्मेटिव। अरी फसर वाज हियर अ फ्यू डेज अगो टू, और उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, उनका एक पूरा प्रोजेक्ट है कि जिसके अंदर ही इज गोइंग ऑल अराउंड पाकिस्तान और जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं डाइंग इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पाकिस्तान उसके रिवाइवल पे वो काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली, तो आई थिंक हमें इस तरह के लोगों की जरूरत है जो हमारे मतलब यू नो पीपल लाइक यू यंगस्टर्स जो इनिशिएटिव लें, बिकॉज जिन लोगों को आप एडमायर करते हैं उनकी आप अच्छी चीजें भी जल्दी फॉलो करते हैं, उनकी बुरी चीजें भी जल्दी फॉलो करते हैं, तो हमें ज्यादातर ऐसे लोग चाहिए जो कुछ अच्छी एग्जांपल सेट कर रहे हो। मैं ऐड करूँ कि म्यूजिक सिर्फ आपकी जो पेशेंट से ताल्लुक नहीं है। अभी मैंने जो रिसेंटली मैं आई हूँ यूएस से तो हमने एक पूरा एल्बम इस तरह कम्पोज किया कि जनाब 75 मिनट्स के और के वो सोशल चेंज में कॉन्ट्रीब्यूट करे, तो उसकी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है। अगर आप उसको हमारे साथ थी ठेठा एक वो रोवांडियन सिंगर थी, तो उसने काफी रिवोल्यूशन लाए थे रोवांडा में। अच्छा। वहाँ तुत्सी और हुटू और तुत्सी ये दो लोग थे, कबाइल एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा कर देते, तो अच्छा। जो गाने कंपोज हो रहे थे तो वो ये थे कि मारो को तुत्सी को मारो तुत्सी को मारो मारो, तो वो लोग में जनाब इतना वो मारने लगे, तो फिर ठेठा ने जो किया उसने अमन का उसमें क्या ऑपोजिट लेके पूरा तो उसने जो है ना वो इसमें पीसफुल हो गया, तो एनी हाउ इसका काफी कंट्रीब्यूशन है। ये पता है आप जो इस वक्त बातें कर रहे हैं ना आप एक बहुत पढ़ी लिखी और एडवांस सोसाइटी की कर रहे हैं, मतलब मैं अभी ही बात कर रही थी आई थिंक सो कल मैंने इस पे बात की थी कि हमारे अभी तक सिंगर्स को कॉन्सर्ट्स में जाके लड़कों को रोकना पड़ता है कि साथ जो आपके खड़ी है इनको आप हरास मत करें, तो हम जो है ना इवन दो बहुत आगे हमें लगता है हम चले गए पर अभी भी हम बहुत पीछे हैं अपने माइंडसेट में अपनी आदतों में अपने तौर तरीकों में, और ये एक वन स्टेप एट अ टाइम
टाइम वाला चेंज है. और जैसे मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि मैं रोज जबरदस्ती आपके घर में सुबह घुस जाती हूँ आपकी टीवी में, और मैं जो यहाँ पे बातें करती हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ बात नहीं होती है. चेंज एक इंसान लेकर आता है. जो जिस मोहल्ले में कोई मेरी बात किसी को लग जाएगी, शायद वो अगर ये बात अपना थोड़ा सा अपना ही माइंड सेट चेंज कर लेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी सोसाइटी में भी चेंज आना शुरू हो जाएगा. और इस वक्त जो हम बात करें म्यूजिक की, इसके बारे में तो मैंने एक रिसर्च भी पढ़ी थी कि एक खातून जब प्रेग्नेंट होती है तो वो जिस किस्म का भी म्यूजिक सुनती है, क्योंकि आपके ईयर सबसे पहले डेवलप हो जाता है बच्चे का, तो उसकी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में उसका बड़ा हाथ होता है. अगर वो सूदिंग म्यूजिक सुनती है तो उसकी पर्सनैलिटी उस किस्म की होगी. अगर वो रॉक म्यूजिक सुनती है, एक्टिविटीज होती है बाहर के हॉस्पिटल में होती रहती है, म्यूजिक रूम्स होते हैं हॉस्पिटल में, आप हैरान है जो कि मुख्तलिफ किस्म के इंस्ट्रूमेंट. और मैं हमेशा कहती हूँ कि ओल्ड होम्स एक तो बहुत ही सैड कॉन्सेप्ट है, शदीद सैड कॉन्सेप्ट है, ठीक है. अनलेस उनको नर्सिंग की हेल्प है, वो भी एक इंसान जिसने आपको बचपन से, जब आप अपना पैम्पर तक चेंज नहीं कर सकते थे, तब से अगर अभी तक बड़ा किया, और हमारे पेरेंट्स तो यूनिवर्सिटी के बाद भी हमें अफोर्ड कर रहे होते हैं, अंग्रेज तो चलो 18 साल के बाद निकाल देते हैं, उस इंसान को अगर आप घर में एक रूम डेडिकेट कर दें, एक नर्स डेडिकेट कर दें और अपना थोड़ा सा टाइम डेडिकेट कर दें, तो क्या ही आप कितना ही बोझ अपने सर उठा लेंगे, जिस इंसान के पैरों के तले जन्नत भी है. तो ओल्ड होम्स एक तो बहुत सैड कॉन्सेप्ट है, लेकिन सैडली हमारे यहाँ एग्जिस्ट करते हैं. और मैं हमेशा कहती हूँ कि सबसे सैड पार्ट ओल्ड होम्स का ये होता है कि उनकी जिंदगी में कोई पर्पस नहीं रहता, बिल्कुल नहीं रहता, ठीक है. ना ना उनके पास मेमोरीज होती है, ना उनके प्यारे उनसे मिलने आते हैं, वो सुबह उठते हैं, रात को सोते हैं, पूरा दिन नो पर्पस. और इस तरह की जिंदगी जीना बहुत मुश्किल है. म्यूजिक थेरेपीज, म्यूजिशियंस, छोटे छोटे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, ये सारी चीजें होती हैं जो इन लोगों को पर्पस देती हैं. यहाँ पे आप पेशेंट्स की बात करें, आप ऑर्फनेजेस की बात करें, ओल्ड होम्स की बात करें, और जब हमारे पास ऐसे खुद इनिशिएटिव टेकर्स आते हैं जो आना चाहते हैं, तो यहाँ की जो जाहिल एडमिनिस्ट्रेशन होती है, ठीक है, मैं कहूंगी ओपनली, जो यहाँ की जाहिल अनएक्सपोज्ड एडमिनिस्ट्रेशन होती है, जैसे सिर्फ तनख्वाहों के लिए वहाँ पे काम करती है, सबकी मैं बात नहीं कर रही, अच्छे लोग भी होंगे जिससे आपकी मुलाकात हो, इसका मतलब वैल्यू नहीं करते, इन चीज को वैल्यू नहीं करते वो, शायद उन लोगों को भी किसी अच्छी चीज मतलब. बाहर अभी मैं हम गए हुए थे वर्जीनिया में और हमने परफॉर्म किया जनाब वर्ल्ड वॉर टू के वेटरन्स को, तो बिलीव मी हमने परफॉर्मेंस की तो वो सारे के सारे रो रहे थे लिटरली, और वो कह रहे थे हमें पाकिस्तान जाना है क्योंकि इधर और भी सारा म्यूजिक होगी और हमने ये सुनना है काफी. और एक इसमें थे, एक तो जा नहीं रहा था तो फिर हम उसकी चुप के हम निकल गए. हमने उसको एंगेज किया, उसने ज़र्बे गली दी दी, मैं रुबाब उसके साथ प्ले कर रहा हूँ. तो एनी हाउ वो एक्टिविटीज इधर भी हो सकती है और हम इधर भी अभी जाते हैं, लेकिन ऑर्फनेज हम ज्यादा दिन जाते हैं. और बस आपने अगली दफा आप कहीं जाएंगे प्लीज मुझे साथ लेकर जाइएगा, ठीक है. आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ समथिंग लाइक दिस, और जितना हम यहाँ पर प्रमोट कर सके वो भी हम करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन आवर शो, मुझे बहुत मजा आया, ठीक है. इट वाज लवली हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद यू, और आप एक बहुत अच्छा जो है मैसेज आगे लेकर जा रहे हैं, एंड आई होप यू इंस्पायर पीपल, एंड यू हैव बहुत सारे स्टूडेंट्स गोइंग एवरीवेयर विद यू. दिस इज अ लवली मैसेज यू टेकिंग फॉरवर्ड. अगेन थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मेहकती मॉर्निंग. अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे. प्लीज मेरी अच्छी अच्छी बातें अपने पल्ले थोड़ी सी बांध लिया करें और उन्हें आगे भी पहुंचाएं, क्योंकि हम ही सोसाइटी के अंदर चेंज लेकर आ सकते हैं. आज का शो हम रैप अप करेंगे एक खूबसूरत सी म्यूजिकल कॉम्पोजिशन से. मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल.